EOR फिल करें या ना करें स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं तो कहूं कि अगर आपको आता है क्यू कार्ड और आप हैं आईएलटीएस के टेस्ट टेकर जिसका पहली बार में एग्जाम क्लियर नहीं हुआ ना, तो आप डिफिकल्ट डिसीजन के लिए इसी चीज को चूज कर लेना कि एग्जाम का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया तो आई वॉज रियली डूबियस कि अब रीवैल्यूएशन अप्लाई करूं या ना करूं। यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ रिलेटेड टू द EOR विद फैक्ट्स विद रिजल्ट्स जो चेंज हुए हैं और एक ऐसा भी दिखाऊंगा जो चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर मैं उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा जिनका रिजल्ट इम्प्रूव हुआ है और EOR में उनको अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में डेफिनेट इम्प्रूवमेंट नजर आई है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, क्या चीज आपको कॉन्फिडेंस देती है। देर आर कपल ऑफ थिंग्स। पहली चीज, जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए क्या आप यहां से दिल से खुश थे कि नहीं, वाकई आज ऐसी परफॉर्मेंस हुई है कि कोई मुझे रोक ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही आपने रिजल्ट देखा और आपने देखा कि रीडिंग में 5 और वो भी मेरे, या स्पीकिंग में मुझे 5.5 दिए, मैं तो 7 की उम्मीद लगा के बैठा हुआ था। यहां पर किसी से एक सेकंड के लिए भी पूछने की जरूरत नहीं है, अपने पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए और दोबारा से एग्जाम देने की बजाय अपनी EOR फिल कीजिए। इंस्टेंट अप्लाई होती है, अपने कैंडिडेट सेक्शन में जाइए, अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें रीच कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर कॉन्फिडेंस होता है आपको ट्रेन करने वाले ट्रेनर का। यहाँ पर मैं अपनी खुद के स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जब उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो दे वर रियली डिसअपॉइंटेड और उसके बाद उन्होंने कहा कि सर अब तो मन ही नहीं कर रहा, लेकिन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं क्लासेस या कुछ ऐसा। लेकिन फॉर मी इट वॉज नॉट डाइजेस्टेबल एट ऑल कि ऐसा स्टूडेंट हो और 5.5 इन स्पीकिंग या ऐसी अच्छी राइटिंग करने वाला स्टूडेंट हो और राइटिंग में 5.5 वैसे कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज आई हैव द कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट्स के उनकी कैपेबिलिटी क्या है और क्या नहीं है। और जब आप एग्जामिनेशन के बाद मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो आई कैन काफ़ी हद तक मैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में बता सकता हूँ कि वाकई वो डिजर्व करते हैं अच्छा स्कोर या नहीं। और ऐसा ही हुआ, दो स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अप्लाई किया और दोनों ही स्टूडेंट का इम्प्रूवमेंट आया। एक का राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों मॉड्यूल्स में काम था और उसका भी वो और हमने फिल किया और दोनों मॉड्यूल्स में इम्प्रूवमेंट हुआ। यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ कहते हैं कि एक ही मॉड्यूल में इम्प्रूव होता है और कुछ कहते हैं नहीं सर ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि दो मॉड्यूल में भी हो जाता है। और यहाँ पर ये मैं आपको ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ विद दिस पर्टिकुलर रिजल्ट कि दो मॉड्यूल्स में भी इम्प्रूवमेंट आती है। और अब कुछ सोचते हैं कि चारों के चार जो मॉड्यूल्स हैं उसमें EOR फिल कर देनी चाहिए। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि वो आप EOR फिल क्यों करना चाहते हो? क्या आपको अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट चाहिए या आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना है? क्योंकि यू नो दैट अगर रिवैल्यूएशन के बाद आपका स्कोर इंप्रूव होता है तो आपको IDP देता है रिफंड, जो EOR का पेमेंट होता है, ना कि टेस्ट का रिफंड। तो अगर आप चार मॉड्यूल्स में EOR अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्कोर आपका रीडिंग में कम है या राइटिंग में या स्पीकिंग में या लिसनिंग में किसी एक मॉड्यूल में कम है, आपने EOR फिल कर दिया, स्पीकिंग में ऑलरेडी आपके 7 हैं, बाकी मॉड्यूल्स में 6.5 है, कम है तो एक स्पीकिंग में 5.5, आपने रीवैल्यूएशन फिल की, स्पीकिंग की इंप्रूवमेंट आई, पैसे भी वापस आ गए और बल्ले बल्ले। लेकिन एक और सिनेरियो देखिए जिसमें स्टूडेंट ने थोड़ा सा स्मार्ट एंड सेफ प्ले किया, उसने चार के चार मॉड्यूल्स में रिवैल्यूएशन फिल कर दिया, यहां पर भी इंप्रूवमेंट आई और इंप्रूवमेंट में क्या हुआ कि लिसनिंग हो गया 7 से 7.5 या राइटिंग हो गया 6 से 6.5, लेकिन जहां पे स्पीकिंग 5.5 था उसमें कोई चेंज नहीं आया। अब मतलब यह है कि आपका स्कोर तो वहीं पे अटका रह गया, आपका पैसा सिक्योर हो गया कि रिफंड जरूर मिल गया, लेकिन EOR का एक्चुअल आपको बेनिफिट हुआ नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको EOR फिल करना है तो पर्टिकुलरली उसी मॉड्यूल का फिल करें जहां पर आपको जरूरत है। अगर आप रेंडमली फिल कर देंगे तो यहां पे हो भी सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को आपका स्कोर इंप्रूव करके दे दें ताकि आपका जो एक और चक्कर है वो जरूर लग जाए और एक और फीस आपको जरूर पे करनी पड़ जाए। तो जब EOR है तो यहां पे रिस्क डेफिनेटली है, बट रिस्क वही लेगा जो है कॉन्फिडेंट।
सिर्फ ये सोच के ईओ आर फिल करेंगे और रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा, ऐसे कभी नहीं होगा। और जो स्टूडेंट मान के चल रहे हैं, एंड ये नहीं है कि मुझे लगता है कि मेरे आने चाहिए, जहां पर फॉर एग्जाम्पल मेरे जैसा ट्रेनर भी है जो ऑथेंटिकेट कर सकता है कि यस इस परफॉर्मेंस के इतने स्कोर जरूर आने चाहिए, तो वो चीज आपके कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। और यहाँ पर रिजल्ट भी बहुत आई वुड से टाइमली आया, क्योंकि 19th of November का ये एग्जाम था इन दोनों स्टूडेंट्स का, बाय 3rd or 2nd इनका जो रिजल्ट आया होगा, एंड विद इन 15 to 20 days, जो आइडली 21 days से विद इन लेस टाइम आपको रिजल्ट मिलना चाहिए ओआर का, ये इन स्टूडेंट्स का आया है। तो वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट दी स्टूडेंट्स, और इसी बिहा पे आप डिसाइड कीजिए कि आपको ईओआर फिल करना है या नहीं करना। वंस अगेन आई वुड से रीडिंग और लिसनिंग में जहां पे स्कोर इफेक्टिव रहता है, वो वहां पर मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स को नहीं कहता हूं, क्योंकि यहां पर चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज्यादा मीक रहते हैं। इनफैक्ट क्योंकि ये ह्यूमन और जो कंप्यूटर क्लर्क है दोनों एक बार इसको ऑलरेडी चेक कर रखे होते हैं, लेकिन मेरे कमेंट में कई बार स्टूडेंट्स ने कहा है कि उनको 0.5 या इवन 1 बैंड तक का जंप मिला है। तो यहाँ पर रीडिंग में भी वंस अगेन इट इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। अगर आपको लगता है तो आप रीडिंग के बारे में भी सोच सकते हैं या लिसनिंग के बारे में भी, लेकिन राइटिंग और स्पीकिंग में स्कोर इंप्रूव होता है, इस चीज को ऑथेंटिकेट करता है आज का ये वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे लिए कुछ कमेंट जरूर लिख कीजिएगा और एक लाइक जरूर प्रेस कीजिए। आप अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, मैं आपको जल्दी मिलूंगा विद मोर अपडेट्स रिलेटेड टू द वर्ल्ड ऑफ फाइल्स। योर अमनदीप सिंह इज गोइंग टू से गुड बाय नाउ, एंड इफ यू आर नॉट अ सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल डू सब्सक्राइब इट नाउ।